आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह G5 U707 मोबाइल में किस तरह कॉन्टेक्ट नंबर को तमिल लैंग्वेज में किस तरह सेव कर सकते हैं। यानी कि जब हम नंबर सेव करते हैं तो उसका नाम अगर आप तमिल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे इस नंबर को ऐड करना है और मैं इस नंबर पे नेम सेव करूँगा तमिल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैंने नंबर इंटर कर लिया हूँ और उसके बाद आपको ऑप्शंस में जाना है। तो ये बटन आपको दबाना है, फिर आपको जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऐड टू कॉन्टैक्ट्स, इसे ओके करना है। उसके बाद आपको ऐड टू न्यू कॉन्टैक्ट पर ओके करना है और ये आपसे पूछेगा कि इस नंबर को आप फ़ोन में सेव करना चाहते हैं या सिम कार्ड में। तो मुझे इस नंबर को फ़ोन में ही सेव करना है, तो मैं फ़ोन को ही रहने दूंगा, फ़ोन के यहाँ लाकर ओके। और अभी जो है नेम दिखा रहा है, तो आपको बीच का बटन दबाना है और यहाँ पर आपको नेम टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे नेम जो है तमिल लैंग्वेज में टाइप करना है। तो उसके बाद आपको हैश का बटन दबाना है, फिर यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ आपको दिखाई देगा राइटिंग लैंग्वेज, इसे आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा तमिल, तो तमिल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है ओके करके। और अब आपको यहाँ पर नेम टाइप करना है, तो जैसे मुझे नेम टाइप करना है यहाँ पर राजा, तो मैं यहाँ पर राजा टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर राजा नेम लिखा हूँ, उसके बाद आपको ओके करना है, फिर से आपको ये बटन दबाना है सेव करने के लिए।